हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी जेई 2019 में अभी तक पूछे गए जीके और विज्ञान के 500 प्रश्न, जो कि 22, 23, 24, 25, 26 मई तक पूछे गए हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं रीजनिंग और मैथ की भी मैं एक एक वीडियो बना दूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक करिएगा ताकि मोटिवेशन मिले आपके लिए दोनों वीडियो बनाने के लिए, रीजनिंग और मैथ की। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। और आज का जो तीनों शिफ्ट का जो पेपर एनालिसिस रहेगा वो आपको रात को 8 से 9 बजे के बीच मिल जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, चेन्नई सुपर किंग के कप्तान कौन है? तो सीएसके के कप्तान है धोनी, याद रखिएगा। आईफा अवार्ड 2018 में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको दिया गया? तो इरफान खान को दिया गया हिंदी मीडियम मूवी के लिए। और बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया? श्रीदेवी मो मूवी के लिए, ठीक है दोस्तों। बेस्ट फिल्म कौन सी थी? तुम्हारी सुल्लू, ये बेस्ट मूवी थी। लोकेशन कहाँ थी इसकी? आईफा अवार्ड 2018 की बैंकॉक में हुआ था, थाईलैंड में, ठीक है। होस्ट किसने किया था? करण जौहर और रितेश देशमुख ने। और ये 19वां आईफा अवार्ड था, बस इतना ही याद रखिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? ये हुई थी सदाशिवा और अहमद शाह दुरानी के बीच में। डेट थी 14 जनवरी 1772 में, ये भी याद रखिएगा। उड़ीसा में कौन सा डांस होता है? तो उड़ीसी होता है उड़ीसा में डांस, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक है, दोबारा से यही बन जाएंगे। और गवर्नर है यहाँ पे गणेशी लाल। और यहाँ पे लोकसभा सीटें दोस्तों 21 हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो ये है सुनील अरोड़ा, याद रखिएगा। और इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में आता है दोस्तों? 324 में। नेक्स्ट आपका, जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक, ये पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका, फतेहपुर सीकरी किसके द्वारा बनवाया गया था? ये दोस्तों अकबर द्वारा बनवाया गया था 1569 में। संगमित्रा किसकी पुत्री थी? तो ये थी सम्राट अशोक की पुत्री। T20 के अंदर सबसे कम उम्र का प्लेयर कौन है? ये संदीप जोरा नेपाल के हो जाएंगे दोस्तों। अगर इसका राइट आंसर कुछ और है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक? तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा बन गया, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे SBI है, दूसरे नंबर पे ICICI बैंक है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी दो बैंक मर्ज हुए, विजय बैंक और देना बैंक, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, एशिया गेम 2018 में इंडिया को कितने गोल्ड मेडल मिले? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 15 गोल्ड मेडल मिले थे। अगर टोटल मेडल की बात की जाए तो 69 मेडल मिले थे एशिया गेम में, जिसमें सिल्वर थे 24 और ब्रॉन्ज थे 30। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे हैं? तो दोस्तों ये कृष्णा नदी के किनारे हैं। विजयवाड़ा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के CM कौन है? N चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? ESL नरसिम्हन। तो आप नरसिम्हन याद रखिए, बस इतना ही, ठीक है। लोकसभा सीट कितनी है? 25 है, ये भी याद रखिएगा। विशाखापट्टनम किस नदी के किनारे हैं दोस्तों? गोदावरी नदी के, तो ये भी याद रखिएगा। केरल के राज्यपाल कौन है? तो केरल के राज्यपाल पी सत्यशिवम राइट आंसर हो जाएगा। और चीफ मिनिस्टर पूछा जाए तो पिनरई विजयन यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा चीफ मिनिस्टर का। और लोकसभा की सीट कितनी है दोस्तों? 20 है। नेक्स्ट है आपका, देखिए जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा देश 1971 में आज़ाद हुआ था? तो इसका आंसर म्यांमार नहीं रहेगा दोस्तों, ये गलती से मैंने लिख दिया था, ठीक है। कई बार देखिए मिस्टेक हो जाती है यार, आप थोड़ा समझा करें। जब मैंने इसका आंसर बताया था तो बहुत सारे बच्चों ने बोला था नहीं पता। देखिए 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से। और ये म्यांमार जो की अगर बात करूँ मैं आज़ादी की, ये 48 में हुआ था, 1948 में, ठीक है, 1948 में, तो याद रखिएगा। और कैपिटल की बात की जाए म्यांमार की, तो नेपियर डोर है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, जैसलमेर किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। अगर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो ये अशोक गहलोत हो जाएगा। और गवर्नर है यहाँ के कल्याण सिंह। नेक्स्ट आपका, विटामिन B12 किस से मिलता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिश, मीट, एग, मिल्क, ये इन चीज़ों से मिलता है। तो कोई भी ऑप्शन होगा तो राइट आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हिस्टोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है। देखिए हैंड रिटन नोट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको टाइपिंग अगर कोई करके देगा तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि टाइपिंग वाला क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें स्किप कर देता है, बट मैंने अपने हाथों से नोट्स बनाए तो ये एक लाइक तो बनता है इनके लिए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट है आपका, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रमोद सावंत इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि गोवा की राज्यपाल कौन है, मृदुला सिन्हा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत ने अंतरिक्ष में अपनी पहली सैटेलाइट कौन सी भेजी थी, तो आर्यभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब भेजी थी अगर पूछा जाए तो 19 अप्रैल 1975 में रूस की सहायता से भेजी थी दोस्तों, याद रखिएगा। इसरो की स्थापना दोस्तों 15 अगस्त 1969 में हुई थी 1969 में, और हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर में है, ठीक है। और एक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोहिणी पहली सैटेलाइट जो बिना किसी देश की सहायता से भेजी गई थी भारत की तरफ से, रोहिणी, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, कौन से खेल की शुरुआत भारत में की गई थी, देखिए भारत में खेल की शुरुआत की गई थी चेस की। अगर आपको चेस ऑप्शन में नहीं था, बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि सर चेस ऑप्शन में नहीं था, तो आप उसमें लगा सकते थे कबड्डी, क्योंकि कबड्डी ऑप्शन में था, ठीक है। तो कबड्डी की भी जो है शुरुआत भारत में ही हुई थी। गवर्नर का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, 5 साल का होता है, और नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा गवर्नर की। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए गवर्नर की, 35 साल। आगरा कौन सी नदी के तट पर है, तो सभी को पता होगा यमुना नदी के तट पर है आगरा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो राकेश शर्मा पहले भारतीय थे, और विश्व के ये 138वें अंतरिक्ष यात्री थे, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान कौन था, यूरी गागरिन, ये था पहला इंसान जो अंतरिक्ष में गया था। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में सबसे पहले उपग्रह भेजने वाला देश ये दोस्तों रूस हो जाएगा, सबसे पहले जिसने अंतरिक्ष में उपग्रह भेजा था वो रूस हो जाएगा। पहली महिला कौन थी, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसका राइट आंसर रहेगा वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अनुच्छेद 336 में क्या आता है, तो अंगल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए विशेष उपबंध है 336 में। 341 में दोस्तों अनुसूचित जातियां आती है, और 342 में अनुसूचित जनजातियां आती हैं, इन दोनों को भी याद रखिएगा, ये भी आ सकता है। नेक्स्ट आपका, पद्म श्री पुरस्कार 2019 में किसे दिया गया, तो ये आपका करीब करीब सर 94 को दिया गया है, तो अब उनमें से कोई ऑप्शन में होगा तो आप इसमें राइट आंसर लगा सकते थे। नेक्स्ट है, विटामिन सी सबसे अधिक किसमें होता है, तो विटामिन सी आपकी खट्टी चीज़ों में होता है, जैसे ऑरेंज हो गया, ठीक है, इन चीज़ों में आपका विटामिन सी होता है। ये आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन, आलमगीर किस राजा को कहा जाता था, तो यहाँ पे औरंगजेब इसका सही आंसर हो जाएगा, औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। विटामिन ए किसमें पाया जाता है, तो फिश ऑयल मिल्क ग्रीन वेजिटेबल इनमें आपका विटामिन ए पाया जाता है। समुद्र के अंदर की चीज़ों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, दोस्तों ये पहली या दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन है, और ये आज यानी कि 26 तारीख को, ये 27 तारीख को वीडियो अपलोड हो रही है, तो इसका मतलब कल भी ये क्वेश्चन आया था। सोनार यानी कि साउंड नेविगेशन रेंजिंग का आपका इसमें फुल फॉर्म होती है, ठीक है भाई, तो याद रखिएगा साउंड नेविगेशन रेंजिंग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो यकृत, लीवर हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, हेप्टोलॉजी कहा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। और सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी या फिर हम पीयूष ग्रंथि जिसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, तो इसको भी याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेल की दीवार बनी होती है, तो ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, पीरियोडिक टेबल में हॉरिजेंटल लाइन को क्या कहते हैं, तो पीरियड्स कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन को, अगर वर्टिकल लाइन पूछा जाए तो उसको ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। सर्वदाता समूह, ब्लड का सर्वदाता समूह कौन सा होता है, ओ माइनस होता है दोस्तों, और सर्वग्राही कौन सा होता है, ए बी होता है, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, बेरीबेरी हो जाएगा राइट आंसर। शरीर का सबसे मजबूत अंग कौन सा होता है, दांत का एनेमल जो होता है आपका, वो होता है शरीर का सबसे मजबूत अंग, ठीक है। लोहे का साक्शन यानी कि रस्टिंग जो होती है आपकी, वो किससे होती है, तो लोहे का साक्शन जो होता है आपका दोस्तों रेडोक्स से होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, पिंक सिटी किसे कहते हैं या फिर कहां पर है, ये भी पूछा जा सकता है,
तो पिंक सिटी आपकी जयपुर को कहते हैं और ये राजस्थान में है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, गवर्नर कौन है कल्याण सिंह, लोकसभा सीटें 25 है, रट जाएंगे जब तक लास्ट तक आप जाओगे। नेक्स्ट आपका भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा नारा दिया गया था, डू और डाई, करो और मरो का नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। कब शुरू किया गया था दोस्तों ये आंदोलन, 9 अगस्त 1942 को। किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वॉशिंगटन डीसी इसका सही आंसर हो जाएगा। IMF हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में है, और जो वॉशिंगटन डीसी है ये कैपिटल है अमेरिका की, यानी कि अमेरिका की ये राजधानी है। ठीक है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी, 1896 में। ये आज भी पूछा, मतलब ये पहले भी पूछा गया था और ये कल की शिफ्ट में पूछा गया था, तो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके, अभी तक कई कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। अगर आप ये पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो क्वेश्चन तो आपको रिपीट मिल ही जाएंगे। और कहाँ पे शुरू हुई थी दोस्तों ओलंपिक खेलों की शुरुआत, किस कंट्री में हुई थी, ग्रीस कंट्री में। ठीक है, कैपिटल क्या है ग्रीस कंट्री की, एथेन है। ठीक है, एथेंस। और यहाँ पे आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका अगर पूछा जाए तो लोसेन है आपका, जो स्विट्जरलैंड में है, और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, बर्न। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका शुभमन गिल किस खेल से संबंधित है, तो ये पंजाब के खिलाड़ी हैं दोस्तों, क्रिकेट से ये खिलाड़ी हैं क्रिकेट के। ठीक है, शुभमन याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट है आपका है मृणाल सेन किस फील्ड से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों फिल्म मेकर है ये। ठीक है, रावण सैटेलाइट कहाँ की सैटेलाइट है, तो ये दोस्तों श्रीलंका की है। अब श्रीलंका की कैपिटल आपसे पूछी जा सकती है, तो श्री जयवर्धन है पूरा कोटे हो जाएगा, और यहाँ के पीएम कौन है, रानिल विक्रम सिंह यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, तो ये भी आप याद रखिएगा। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है, देखिए ये भी गलत लिखा है, टेनिस। ठीक है, कई बार चीज़ें पता होते हुए भी गलत हो जाती है, ये फुटबॉल से संबंधित है, फेडरेशन कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। और फेडरेशन कप 2018 जो 56वां एडिशन था, ये आपका किसने जीता था, 2018 का फेडरेशन कप जो है था रोमानिया ने जीता था रूस को हरा करके, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1963 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ध्यान रखिएगा दोस्तों फेडरेशन कप फुटबॉल से संबंधित है भाई। राजेंद्र प्रसाद के बाद राष्ट्रपति कौन बने थे, तो राधा कृष्ण आपके राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी आपको पता है, और मिनिमम एज कितनी होती है 35 ईयर, और मैक्सिमम एज कितनी होती है, कोई लिमिट नहीं है, कहीं पे भी संविधान में ये नहीं लिखा कि राष्ट्रपति की मैक्सिमम एज कितनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका पहला कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था, तो ये 1930 में हुआ था दोस्तों, और कहाँ पर हुआ था अगर ये पूछा जाए तो हैमिल्टन आपका कनाडा में ये हुआ था। ठीक है, 2018 में कहाँ ये हुआ था दोस्तों, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। और 2022 का अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पे होगा, बर्मिंगम इंग्लैंड में होगा ये। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा 2022 का कहाँ पे होगा, बर्मिंगम इंग्लैंड में। चलिए नेक्स्ट है आपका अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, वेलेंटिना टेरेस्कोवा 1963 में गई थी, राइट आंसर हो जाएगा। स्पेशल ओलंपिक 2019 कहाँ पर हुए हैं, तो ये अबू धाबी आपको हो जाएगा, यूएई। ठीक है, यूएई कंट्री में। पहला मसाला सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है दोस्तों कोची केरल में। ठीक है, और कोची यानी कि केरल के जो आपके सीएम और गवर्नर कौन है, पिनरे विजयन और सत्य शिवम, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। एसआई यूनिट ऑफ वेट आपका यूनिट न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, सिनेमा हॉल की छत कैसी बनी होती है, तो कर्व बनी होती है, कर्व होता है इसमें ऐसे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा भाई, ये क्वेश्चन सारे के सारे मेरे को लग रहा है रिपीट होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आपसे पूछा गया था, तो CHCl3 आपका हो जाएगा राइट आंसर। कौन सी संस्था एलिमेंट के नामों को रखती है, तो ये IUPAC आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की फुल फॉर्म हो जाएगी। प्रोटीन से संबंधित प्रश्न था दोस्तों, पौधों का रंग हरा क्यों होता है क्लोरोफिल के कारण। जानवरों के मुंह और पैरों में बीमारी किसके कारण होती है, तो ये वायरस के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तो नेक्स्ट है आपका पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मनुष्य के अंदर के भाग को चेक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सिटी स्कैन का। ठीक है, इनमें से कौन सा गुलाम वंश नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन देखकर लगा पता लगाया जा सकता था।
बिना बुझा चुने का फॉर्मूला दोस्तों CaO3 हो जाएगा, और बुझा हुआ चुने का फॉर्मूला Ca(OH) आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो यह कटक उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु है? ऑप्शन से हो सकता था। अमलगम में कौन सा तत्व हमेशा मौजूद रहता है? तो पारा हमेशा मौजूद रहता है अमलगम में। संतरे का pH मान कितना होता है? 3.32, 4.2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेहू जो नृत्य है आपका दोस्तों ये असम का है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जो बिहू नृत्य है आपका ये असम में है। ठीक है, ये इसको सही कर लीजिएगा, बिहू हो गए। और यहाँ पे सीएम कौन है? सर्बनंदा सोनोवाला यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी, राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा कितने राज्यों से में से गुजरती है? दोस्तों 8 राज्यों से गुजरती है। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और देखिए इसकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कहां से इसकी PDF मिलेगी। ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में जब आपका मन करे आप इस वीडियो को आकर खोल के देख सकते हैं, और नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, प्रेम मंदिर किस राज्य के अंदर है? कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है प्रेम मंदिर। और यहाँ पे देखिए CM जो है आपके योगी आदित्यनाथ हैं, और गवर्नर कौन है? राम नाइक जी। भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो दोस्तों ये बनी थी सुचिता कृपलानी, जो कि कांग्रेस से थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, और ये UP में बनी थी। इनका कार्यकाल रहा था 1963 से 1967 तक। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला गवर्नर, तो ये थी सरोजनी नायडू, ये भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही बनी थी। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना था? 1947 से 1949 तक, याद रखिएगा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब की स्थापना कब हुई थी? इसकी 6 अगस्त 1952 में। ठीक है भाई, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुई थी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। मोदी को किस देश ने अपने देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया? ये रूस ने दिया है। ठीक है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों ये विटामिन सी की कमी से होता है। देखिए विटामिन सी की से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं, और विटामिन से खुद संबंधित बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं, तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा विटामिन से संबंधित। ठीक है, पेड़ की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? दूसरी बार आ चुका है, देख लेना आप, क्लोरोफिल के कारण होता है। विराट कोहली और मीराबाई चानू को कौन सा अवार्ड दिया गया? तो ये क्वेश्चन दोबारा आ सकता है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया इन दोनों को। ठीक है, SI यूनिट ऑफ ग्रेविटी न्यूटन होती है, सभी को पता है। कौन सी फसल से तेल मिलता है? तो ये आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर लगा सकते थे। तो अगर आपको सरसों था या फिर तिलन था, इनसे आपका ऑप्शन बन सकते हैं। ठीक है, तो सरसों इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेटिना मनुष्य के शरीर के किस अंग में होता है? तो ये आँख में होता है, सभी को पता है। नीलगिरी हिल्स को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और इसरो द्वारा चलाया गया युवा साइंटिस्ट प्रोग्राम, इसे UVIKA जिसको बोला जाता है, ये चलाया गया है छोटे स्कूली बच्चों को प्रोग्राम, ये मतलब उनको ट्रेंड करने के लिए। और इसरो की स्थापना 1969 में, और हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है। रट लीजिए, बार बार बता रहा हूँ आपको। ठीक है, लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों लोकसभा में कुल सीटें हैं आपकी 552। ठीक है, इसमें से 545 जो है आपकी जिन पे इलेक्शन होता है। देखिए इलेक्शन तो 543 पे होता है, 543 पे होता है, बट अभी करंट में 545 है। ठीक है, राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं दोस्तों? 250 है, तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे CM ऑफ उड़ीसा देखिए पूछ ले गया नवीन पटनायक है, गवर्नर कौन है? गणेशी लाल, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, और CM और गवर्नर की वीडियो में अपलोड कर ही चुका हूँ, उसको सेपरेट अलग से देख सकते हैं। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी में सोनिया गांधी का रोल किसने निभाया था? दोस्तों ये था सुजैन करके कुछ था, तो याद रखिएगा सुजैन। ठीक है, मनमोहन का रोल किसने निभाया था? तो ये अनुपम खेर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे स्वच्छ रेलवे जोन कौन सा रहा? तो साउथ सेंट्रल रेलवे जोन आपका ये रहा सबसे स्वच्छ रेलवे जोन, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये सिकंदराबाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया गेम 2018 कहाँ पर हुआ था? तो ये दोस्तों इंडोनेशिया में हुआ था। एशिया पैरा गेम भी आपका 2018 का इंडोनेशिया में ही हुआ था। यहाँ पे देखिए ये है CM ऑफ कर्नाटका, देखिए शुरू में CM बहुत पूछे गए थे, तो CM ऑफ कर्नाटका कौन हो जाएगा? HD कुमार स्वामी, और गवर्नर कौन है? विजय भाई वाला, राइट आंसर हो जाएगा, वज्जू भाई वाला है, सॉरी। ठीक है, वज्जू
भाई वाला। तो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब शिफ्ट की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 12 दिसंबर 1911 में। ये भी आपका पूछा गया था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में फर्स्ट रैंक पर कौन सा स्टेट है? स्टेट अगर आपसे पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश है। अगर भारत की रैंक आपसे पूछी जाए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक कौन सी है, तो इंडिया की रैंक 77 है। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? शशांक मनोहर हो जाएगा राइट आंसर। और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपका Na2CO3 राइट आंसर हो जाएगा। किस सीएम को मामा कहा जाता है? तो शिवराज सिंह चौहान को मामा भी कहा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं पहले, ठीक है। और अभी कौन है मध्य प्रदेश के सीएम? कमलनाथ है। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड कप कहां पर हुआ था? तो फर्स्ट वर्ल्ड कप दोस्तों तो ये इंग्लैंड में हुआ था, और ये आपका शायद ये 1975 होगा दोस्तों, इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। ये गलत लिखा है, शायद 1975 में होगा, ठीक है। तो पहला वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था 1975 में। विनिंग कंट्री रही थी आपकी वेस्ट इंडीज़ रही थी, ठीक है। और 2023 का वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? इंडिया में ही होना है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी आ सकता है। ये है आपका चेयरमैन ऑफ CIC यानी कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो सुधीर भार्गव इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है? के सुब्रमण्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये है आपका सर्बिया राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सर्बिया। राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी हैं? ये भी दोस्तों पूछा जा सकता है, स्पेन के हैं। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। ये क्वेश्चन बताए पूछा गया था आपसे। भूटान की राजधानी भी पूछी जा सकती है, तो आपका हो जाएगा ये थिम्पू। भूटान की जो आपकी, और देखिए भूटान की करेंसी भी पूछ ली जाती है, तो भूटानी नगुल्टन है यहाँ की करेंसी, तो याद रखिएगा। चंडीगढ़ किस राज्य की राजधानी है? तो पंजाब और हरियाणा की है। तारों का टिमटिमाना किस वजह से होता है? तो वायुमंडलीय। बंगाल के सीएम तो ममता बनर्जी अभी तक तो, और गवर्नर कौन है? केसरीनाथ त्रिपाठी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सबरमाला टेम्पल कहाँ पर है? सबरीमाला टेम्पल कहाँ पर है? ये केरल में है दोस्तों, और केरल के चीफ मिनिस्टर कई बार आ चुके हैं, पिनरे विजयन हो जाएगा। और गवर्नर क्या है? पी सत शिवम राइट आंसर हो जाएगा। अभी चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? तो सुनील अरोड़ा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और ई चीफ इलेक्शन कमीशन की जो दोस्तों रिटायरमेंट एज है, वो तो 6 साल का कार्यकाल रहेगा, या फिर 65 ईयर एज, जो भी पहले हो जाएगी वही आपका हो जाएगा। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 आपका हो जाएगी कंचनजंगा, ठीक है, भारत की। पेटा फुल फॉर्म क्या है? प्यूपल फॉर दी एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पेटा की फुल फॉर्म आई थी अभी आपकी। और पेटा अवार्ड किसे दिया गया था? तो ये आपका सोनम कपूर को दिया गया था अभी, ठीक है। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। ये भी आपसे पूछा गया था, पेरू की राजधानी, ठीक है। लोकसभा 19 के चुनाव कितने चरणों में हुए? तो ये दोस्तों आपसे पूछा गया था, 7 चरणों में हुए। 90 करोड़ वोटर थे 2019 के चुनाव में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर हैं। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत आपका राइट आंसर हो जाएगा। डल लेक कहाँ पर है? तो डल लेक दोस्तों श्रीनगर में है। इसरो के बारे में आपसे पूछा जा गया था कुछ, इसरो का क्या पूछा गया था, चेयरमैन पूछे गए थे इसरो के, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा। और के सिवान जो है इसके चेयरमैन हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में है। और स्थापना मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूँ, 1969 में हुई थी, ठीक है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया। और भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। और स्मृति ईरानी पहले थी। और दोस्तों अभी जो सारे के सारे मंत्री परिषद जो चेंज होगा वो मैं आपको बताऊंगा, बट अभी आपको ये याद रखना है, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होगा 2 जून तक आपका जो एग्ज़ाम चलना है, उसमें वो सारे पहले वही चीज़ पूछी जाएंगी जो आपके चीफ मिनिस्टर गवर्नर जो भी हैं सारे के सारे, वही आपको आंसर लगा के आना, कुछ भी नया नहीं लगा के आना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है खरडूंगा पास कहाँ पर है दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर में है। भारत के पहले लोकपाल कौन बने हैं? तो पिंकी चंद्रा घोष ये बने हैं आपके पहले लोकपाल। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, और NTPC ग्रुप डी वाला भी अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके एग्जाम में तो जरूर आएंगे क्वेश्चंस। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और
ये कब बना है दोस्तों, फॉर्म कब हुआ है ये, 2019 में, ठीक है। लोकपाल कहाँ से लिया गया है दोस्तों, स्वीडन कंट्री से लिया गया है, तो ये भी आप याद रखेगा। उत्तराखंड के गवर्नर पूछे गए थे, तो बेबी रानी मौर्य हो जाएगा, और यहाँ के सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये भी याद रखिएगा। ये आपका जल सेना अध्यक्ष अभी पूछे गए थे, तो क्रमवीर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत के अंदर पहला टेस्ट मैच किस ग्राउंड में खेला गया था, तो ये कोलकाता ग्राउंड में खेला गया था पहला टेस्ट मैच। इंडिया किताब के किसके द्वारा लिखी गई, तो महात्मा गांधी के द्वारा ये लिखी गई थी इंडिया किताब, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है दोस्तों, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, दो लोकसभा सीटें अरुणाचल प्रदेश में। आर्टिकल 32 से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो आर्टिकल 32 में क्या आता है दोस्तों, अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, ये आपका आर्टिकल 32 में है, ठीक है। फादर ऑफ द हिस्ट्री किसको कहा जाता है, हेरोडोट्स आपका सही आंसर हो जाएगा। थर्ड पीरियड में टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो दोस्तों टोटल एलिमेंट आपके 8 हो जाएंगे पीरियोडिक टेबल में। सबसे हल्की धातु आपकी लिथियम हो जाएगी, अगर सबसे भारी पूछी जाए तो ओस्मियम हो जाएगी। फॉर्मूला ऑफ सिंदूर आपसे पूछा जाए तो Pb304 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड पूछा गया तो 79 है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि आपकी पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी जो है आपकी, वो सबसे छोटी ग्रंथि है। टोटल नंबर ऑफ मेटलॉइड कितने हैं, मेटलॉइड 6 है दोस्तों। मेटलॉइड होते क्या हैं, जिन मेटल में आपके धातु और धातु दोनों की विशेषताएं होती है, वो आपके मेटलॉइड होते हैं। ब्रोंज, कौन, जर्मेनियम आपकी कुछ एलिमेंट्स हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपको, बोरेक्स को लिटमस पेपर से टेस्ट करने पर कौन सा कलर देगा, तो लाल देगा दोस्तों, ये याद रखिएगा। चींटी के काटने पर कौन सा अम्ल निकलता है, तो फॉर्मिक एसिड, ये क्वेश्चन अभी भी कल भी पूछा गया था आपका और पहले भी आया था। CHO किस को बताता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड आपका आपका pH कितना है, तो 7 हो जाएगा। मिल्क का जो वैल्यू है, आपकी pH वैल्यू कितनी है, वो 6.5 से लेकर 6.7 तक है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है आपके। निमोनिया हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, दोस्तों लंग्स को करता है ये प्रभावित निमोनिया। बच्चे के पैदा होने से पहले बच्चे का जेंडर कैसे पता लगाया जाता है, क्रोमोसोम्स के थ्रू लगाया जाता है दोस्तों, यानी कि डबल एक्स है तो आपका फीमेल है और एक्स वाई है तो आपका मेल है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स के थ्रू पता लगाया जाता है। रक्त का थक्का जमने में कौन विटामिन सहायक है, तो आपका के राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन के, ठीक है। ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास कितना है दोस्तों, तो ये आपका 2 हो जाएगा। किस चीज़ में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तो नींबू, संतरा और जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया था, तो गुजरात में है। CM कौन है आके, विजय रूपानी, और गवर्नर कौन है, ओम प्रकाश कोहली, और लोकसभा सीटें दोस्तों 26 हैं। एशिया एयरगन में भारत को कितने मेडल मिले, तो टोटल मेडल 25 मिले हैं। अब आपसे पूछा जा सकते हैं कि एशिया एयर गन में भारत को गोल्ड मेडल कितने मिले, तो 26 मिले दोस्तों, ये याद रखिएगा। किस देश ने हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया है, तो जर्मनी ने चलाया है, और उसकी राजधानी क्या है, बर्लिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सबसे पहले चीनी यात्री भारत आया था, तो फायान आया था सबसे पहले भारत में, जो चीनी यात्री था। हीरा सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर। और बेरिलियम किस तत्व के समान है, तो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हेलोजन समूह कौन सा होता है, दोस्तों 17 होता है, जिसमें आपके ये कुछ होते हैं 5 तत्व, तो याद कर लीजिएगा इनको। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कब गए थे, तो 20 जुलाई आपका 1969 में गए थे, तो याद रखिएगा। अपोलो 11 मिशन से ये गए थे, ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर 20 जुलाई 1969 में गए थे। चींटी के डंक से कौन सा एसिड निकलता है, फॉर्मिक एसिड आपका हो जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप कितने साल के बाद आता है, तो 4 साल बाद हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, नासा की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी, तो नासा की फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना आपकी जुलाई 29, 1958 में हुई थी इसकी, और मुख्यालय Washington DC, जो कि अमेरिका की कैपिटल है, ठीक है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना आपकी 15 अगस्त 1969 में हुई थी, ये मैं आपको चौथी बार बता रहा हूँ, और मुख्यालय आपका बेंगलोर में, ठीक है। तो ये याद हो जाता है जब बार बार कोई चीज़ को हम रिपीट करते हैं, 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी इसरो की, तो अच्छी बात है, याद हो जाएगा। ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो दोस्तों केरल में मनाया जाता है। फिर से केरल के चीफ मिनिस्टर गवर्नर, ये आप देख लीजिए, पिनरई विजयन और सदशिवम, और यहाँ पे आपका लोकसभा सीट 20 है।
न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी, आप याद रखिएगा। एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। प्रोपेन की मात्रा 40% होती है और ब्यूटेन की आपकी 60% होती है। परफ्यूम की खुशबू हमारे नाक तक कैसे आ जाती है? तो दोस्तों प्रसार यानी कि डिफ्यूजन के कारण हमारे नाक तक या फिर हम सूंघ पाते हैं उसको। ऐसा यूनिट ऑफ पावर वॉट होती है? ऐसा यूनिट ऑफ साउंड आपकी हर्ट्स होती है यानी कि फ्रिक्वेंसी। ऐसा यूनिट ऑफ साउंड फ्रिक्वेंसी। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है दोस्तों। और सबसे स्ट्रॉन्ग हड्डी भी यही होती है। और सबसे छोटी है दोस्तों आपकी स्टेपीज होती है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। कौन सा जीव अपनी स्किन से सांस लेता है? तो मेंढक अपनी स्किन से सांस लेता है। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? वी नारायण स्वामी आपका हो जाएगा। और यहाँ पे पुदुचेरी के उप राज्यपाल भी आपका पूछा गया था, तो ये किरण बेदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका 2018 हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो ये बेल्जियम रेड ने जीता था, तो ये भी आप याद रखिएगा। आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एड्रेनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। उगते हुए सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो ये अमृतसर में है दोस्तों। सबसे अधिक ध्वनि किस की चाल किस में होती है? तो ठोस में सबसे अधिक होती है ध्वनि की चाल। ठीक है, हीरे को भारत में के किस स्थान से निकाला जाता है? तो गोलकुंडा खान से निकाला जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश में है, तो याद रखिएगा। ठीक है, कुचिपुड़ी डांस कहाँ का है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वेलिटी किस अनुच्छेद में आता है? तो आर्टिकल 14 से 18 तक आता है आपका समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आपका 1922 तक आता है, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। ठीक है, शोषण के खिलाफ अधिकार यानी कि राइट टू एक्सप्लोटेशन ये आपका 23 से 24 तक आता है, आर्टिकल 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से 28 तक आता है। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार आपका 29 से 30 तक आता है। संविधानिक उपचार का अधिकार आपका 32 में आता है दोस्तों। देखिए आर्टिकल 31 में आपका आता था संपत्ति का अधिकार, जो कि अब नहीं रहा है। अभी हमारे सिर्फ 6 अधिकार हैं यानी कि फंडामेंटल राइट्स, अब 6 रह गए हैं, पहले 7 होते थे। अब ये कब हटाया गया था? ये दोस्तों अभी 300A में, आर्टिकल 300A में इसको शिफ्ट कर दिया गया और ये 44वें संविधान संशोधन यानी कि 1978 में किया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। अभी एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। हम्पी का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से है दोस्तों। हम्पी शायद मंदिर है ये कर्नाटक में। ओलंपिक खेल का कब शुरू हुए थे? तो ये आपके 6 अप्रैल 1896 में हुए थे दोस्तों, तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। कंट्री ग्रीस है। कॉमनवेल्थ खेल कब शुरू हुए थे? तो दोस्तों 1930 में हुए थे। कंट्री हैमिल्टन यानी कि कनाडा में है ये, और कनाडा में हुए थे। हाल ही में रामनाथ कोविंद को कहाँ का अवार्ड दिया गया है? तो क्रोशिया कंट्री ने यहाँ पे अवार्ड दिया है रामनाथ कोविंद जी को, जो कि हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, सभी को पता है। आयुष्मान भारत के सीईओ कौन है? इंदु भूषण इसके सीईओ हैं। और नेक्स्ट आपका मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। और यहाँ के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? नजमा हेपतुल्ला राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि जो मैं यह एफर्ट आपके लिए कर रहा हूँ ये आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट मैं जल्दी आपको रीजनिंग और मैथ्स की भी वीडियो प्रोवाइड करा दूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, तभी एक मोटिवेशन मिलता है। देखिए यार, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ तो इसके लिए मुझे कुछ ऐसा लगना चाहिए ना कि हाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप पसंद भी कर रहे हैं, उसको लाइक भी कर रहे हैं और मेरे को रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, तभी मैं बना पाता हूँ, अदरवाइज मेरे से वीडियो नहीं बनती है ज़्यादा। ठीक है, वर्तमान में ICC के चेयरमैन कौन है? तो शशांक मनोहर, ये आपका कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सबसे अधिक कोयला किस राज्य में होता है? दोस्तों ये मतलब पाया जाता है झारखंड में, पाया जाता है। दूसरे नंबर पे उड़ीसा और तीसरे नंबर पे झारखंड है, सॉरी छत्तीसगढ़ है, याद रखिएगा। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है? दोस्तों महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के जो CM है आपके वो है देवेंद्र फडणवीस, और गवर्नर कौन है? सी विजय सागर राव, ये आपका याद रखिएगा, सॉरी विद्यासागर राव है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्यूपिल शरीर के किस अंग में अंग से संबंधित है? तो देखिए कई क्वेश्चन आ चुके हैं, आँख से संबंधित है ये भी। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर की क्या हो जाएगी? पास्कल हो जाएगी। भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, 1913 में मिला था। UN ने पहली भारतीय महिला सचिव कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। UN का हेडक्वार्टर कहाँ? न्यूयॉर्क सिटी में है, तो याद रखिएगा। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम कब क्या है दोस्तों? 1986 है ये, पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम 1986।
पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये यकृत को करता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। तो ये भी आप याद रखेगा, ठीक है। भरतनाट्यम नृत्य कहाँ पर होता है? ये तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में होता है दोस्तों। तमिलनाडु के सीएम कौन है? पल्लन स्वामी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ पे लोकसभा सीटें कौन कितने दोस्तों? 39 है। तो ये भी आप याद रखेगा सब कुछ, ठीक है। और प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही सब क्वेश्चंस थे। और मुझे आशा करता हूँ आपसे कि आपको ये वीडियो फटाफट, मैंने 35 मिनट में ही कवर कर दी। मेरे को लग रहा था कि इसमें 40 से 45 मिनट लग जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फटाफट में आपको 35 मिनट में जितने भी सारे क्वेश्चन थे सारे कवर हो गए। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पीडीएफ आप ले सकते हैं टेलीग्राम पे जाके। टेलीग्राम पे जाइएगा, बस आपको टेलीग्राम पे जाके टॉपिक स्टडी सर्च करना है। और टॉपिक स्टडी सर्च करके आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है दोस्तों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एनटीपीसी जेई और ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज का। वहाँ से जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके प्राइस 149 रुपीज़ है, बट अगर आप इस कोड का यूज़ करते हैं तो आपको केवल 119 रुपये में ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना, और अपने दोस्तों को भी पढ़ाते रहिए, खुद भी पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कराते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।